हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज नंबर सीरीज का टाइप 4 करेंगे, जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन MQ प्लस माइनस M पर होगा या MQ प्लस माइनस N पर होगा, जहां M और N ये सभी क्या हो सकता है, ऑड नंबर, इवन नंबर या प्राइम नंबर्स। आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, टाइप 3 में हमने बताया था एम स्क्वायर प्लस माइनस एम या एम स्क्वायर प्लस माइनस एन पर। तो यहाँ पर इसका फॉर्म ये भी हो सकता है एम स्क्वायर प्लस माइनस एन या एम स्क्वायर प्लस माइनस दो, कोई भी वेराइटी का हो सकता है। यहाँ पर अंक में कुछ भी रह सकता है, कहने का मतलब यहाँ पर कुछ भी डिजिट रह सकता है, जैसे एक हुआ, दो हुआ, तो यहाँ पर कुछ भी, तीन रह सकता है, चार रह सकता है। तो यहाँ पर हमने एन लिख दिया है, और एन क्या होगा, ऑड इवन या प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 10 और 10 इस प्रकार से 80 और 20 ये लिखा गया है, तो ये आपका ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो बताना है। तो 10 और 10 क्या है, 10 का क्यूब प्लस 10 लिखेंगे, कहने का मतलब 10 का क्यूब 1000 होता है, 1000 में 10 जोड़ेंगे तो 10 और 10 इस प्रकार से हो रहा है। उसी प्रकार से 80 और 20, 20 का क्यूब कितना होता है, 20 का क्यूब होता है 8000, आपको पता होना चाहिए, और इसमें हम 20 जोड़ देंगे तो आपका ये हो जाएगा कितना, 80 20। ये आपका MQ प्लस M इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, ये 30 का क्यूब प्लस 30 करेंगे तो 30 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब 9, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 3 27 यहाँ पर, और 3 0 और प्लस 30, तो ये आपका हो जाएगा 27 0 30। उसी प्रकार से 10 20 30 आपकी बार होना चाहिए 40 का क्यूब प्लस 40, तो 40 का क्यूब मतलब 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और यहाँ पर 3 0 पहले से देंगे और इसमें आपको 40 जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएगा, 64 0 और 40। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा भाग के स्थान पर, 64 0 40 ऑप्शन नंबर थर्ड है। ये आप टेस्ट भी कर सकते हैं, 10 20 30 40, तो ये कितना होना चाहिए, 50 का क्यूब प्लस 50, और 50 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125, पर 000 में आप 50 जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 125 050, ये आपका हो रहा है, यानी कि आपका फाइनल आंसर होगा 64 0 40। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें आपको सिलेक्ट रॉन्ग टर्म चुनना है, मतलब इसमें कौन सा गलत टर्म है जो सेलेक्ट करना है, ऑप्शन ये आपको दिया गया है। दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, या तो क्वेश्चन मार्क रहता है या रॉन्ग टर्म निकालना कहता है। तो यहाँ पर देखिए, 0 है तो 0 को लिख सकते हैं, 1 का क्यूब माइनस 1, कहने का मतलब 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। 28 को लिख सकते हैं, 27 3 का क्यूब के आसपास है, तो 3 का क्यूब में 1 जोड़ देंगे, मतलब 27 प्लस 1 तो 28 हो रहा है। उसी प्रकार से 124, 5 का क्यूब 125 के करीब है, तो 5 का क्यूब करेंगे और -1, यानी कि 125 माइनस 1, तो 124 हो रहा है। तो देख रहे हैं, -1 प्लस 1 -1, अब की बार फिर +1 होगा, 1 3 5, अब की बार 7 होगा, यहाँ पर 9 होगा, 1 3 5 7 9, यहाँ पर कितना होगा, 11 होगा, ये आप देख रहे हैं, सभी का क्यूब है, और यहाँ पर -1 प्लस 1 -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर फिर -1, यहाँ पर +1, इस प्रकार से पैटर्न चल रहा है। कहीं भी देख सकते हैं, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 में 1 जोड़ेंगे तो 344 हो रहा है। 9 का क्यूब कितना होता है, 729, तो 729 में से 1 घटाएंगे तो 728 हो रहा है। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, 1331 में 1 जोड़ेंगे तो 1332 होगा, यहाँ होना चाहिए 1332, लेकिन आपके प्रश्न में यह दिया गया है जो गलत है, यानी कि आपका कौन सा राउंड टर्म है, तो 2198 है जो गलत है, इसके स्थान पर सही में होना चाहिए ये, तो आपका राउंड टर्म सिलेक्ट करना था, तो 2198 इस प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चंस नंबर सेकंड के बाद देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चंस बोल रहा है 6 25 62 123 214, यहां पर क्या होगा, आपका ये ऑप्शन दिया गया है 4। तो 6 को हम लिख सकते हैं 8 माइनस 2, कहने का मतलब 2 का क्यूब माइनस 2, 25 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 माइनस 2, यानी कि 3 का क्यूब और माइनस 2, 62 को लिख सकते हैं 64 माइनस 2, कहने का मतलब 4 का क्यूब माइनस 2, 123 को लिख सकते हैं हम 125 माइनस 2, यानी कि 5 का क्यूब माइनस 2, 214 को लिख सकते हैं 216 माइनस 2, कहने का मतलब 6 का क्यूब 216 होता है, 2 घटा देंगे, तो यहाँ से 2 3 4 5 6, आपके बारे यहाँ कितना होना चाहिए, 7 7 का क्यू और माइनस 2, जैसे 2 शब्द में घट रहा है, 7 का क्यू कितना होता है, तो 343 में से 2 घटा देंगे तो 341 आपके प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ भी वही काम करेंगे, 3 को हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस
मतलब एक प्लस द तो तीन हो रहा है। उसी प्रकार से दस को लिखेंगे, दस को हम लिखेंगे दो का क्यूब, यहाँ पर क्यूब लेकर चलेंगे, एक का क्यूब प्लस दो तो तीन हो रहा है, दो का क्यूब प्लस आठ हो गया, यहाँ पर दो का क्यूब आठ और प्लस दो, यहाँ पर आपका हो रहा है दस। उसी प्रकार से उन्तीस को लिखेंगे, तीन का क्यूब सताइस और दो, मतलब सताइस प्लस दो तो उन्तीस हो रहा है, एक दो तीन, उसके बाद चार का क्यूब करेंगे और प्लस दो तो चौसठ प्लस दो तो कितना हो जाएगा छियासठ, यहाँ पर छियासठ आपका होना चाहिए। और यहाँ पर चार के बाद पांच का क्यूब प्लस दो करेंगे तो 125 प्लस दो तो कितना हो जाएगा 127, 127 है तो यहाँ पर 66 होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब ए। चार के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर देखिए फाइव, ये एनटीपीसी 19 जनवरी 2017 को पूछा गया है और ये क्वेश्चन 7 अप्रैल 2016 को पूछा गया है, दोनों एक ही प्रकार के क्वेश्चन है। पिछला दो तीन चार क्वेश्चन के हमने उसमें एग्जाम का डेट नहीं लिखा है, वो मिस हो गया था, उसे कोई भी दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन समझना है। देखिए दो को हम लिख सकते हैं एक का क्यूब प्लस एक, यानी कि एक प्लस एक तो दो हो रहा है। नौ को लिख सकते हैं आठ प्लस एक, कहने का मतलब दो का क्यूब प्लस एक। उसी प्रकार से हम यहाँ पर 28 को लिख सकते हैं, 27 और एक 28 होता है, कहने का मतलब तीन का क्यूब और प्लस एक। उसी प्रकार से नेक्स्ट टर्म 65 को लिख सकते हैं, 64 प्लस एक तो 65 होता है, यानी कि चार का क्यूब प्लस एक, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए एक दो तीन चार, अब के बाद पांच का क्यूब होगा और प्लस एक तो 125 और एक कितना हो जाएगा 126, तो 126 आपके ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, 7 अप्रैल 2016 को पूछा गया है, इसे भी हम लिख सकते हैं एक का क्यूब प्लस एक, यानी कि एक प्लस एक दो है, यहाँ पर लिख सकते हैं दो का क्यूब मतलब आठ, आठ में से एक कम करेंगे तो यहाँ पर सात हो जाएगा। 28 को लिख सकते हैं 27 प्लस एक, यानी कि तीन का क्यूब माइनस एक, नहीं प्लस एक होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले प्लस एक हुआ फिर माइनस एक, प्लस एक फिर माइनस एक होगा, यानी कि चार का क्यूब और माइनस एक, यानी कि 64 माइनस एक 63 हो रहा है। प्लस देख सकते हैं प्लस हुआ माइनस हुआ, प्लस हुआ माइनस हुआ, फिर आपके बाद प्लस होना चाहिए, यानी कि पांच का क्यू और प्लस एक, तो पांच का क्यू 125 और एक 126, तो यहाँ पर भी आपका 126 होगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा सी। और पांच के बाद यहाँ पर छह होगा तो छह का क्यू और प्लस एक हुआ, आपके बाद यहाँ माइनस एक होगा तो 216 में से एक हटाएंगे तो 215 आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए सेवंथ नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए सेवन और एट, दोनों एक ही वैरायटी का क्वेश्चन है, कैसे जो समझिए। हमने रूल बताया है एम क्यू प्लस माइनस एम पर, तो यहाँ पर एम क्या और एम, एम और एन दोनों के लिए हमने बताया कि क्या क्या हो सकता है, ऑड इवन प्राइम नंबर्स, तो ऑड और इवन दोनों को मिलाकर बोल सकते हैं क्या होता है नेचुरल नंबर, मतलब ये आपका नेचुरल नंबर में भी हो सकता है। एन ए टी यू आर एल इसका होता है, आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होता है, एक दो तीन चार, मतलब इसमें सभी होता है, सम विषम सभी प्रकार की संख्या होते हैं नेचुरल नंबर में, तो एन के जगह पर नेचुरल नंबर भी हो सकता है, एन के जगह पर भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दो को लिख सकते हैं एक का क्यूब प्लस एक, मतलब एक प्लस एक तो दो हो रहा है। दस को लिख सकते हैं आठ और दो दस, तो आठ प्लस दो, कहने का मतलब दो का क्यूब प्लस दो, यहाँ पर देखिए एक के बाद दो हुआ, अब की बार दो के बाद देख सकते हैं यहाँ तीन का क्यूब और प्लस तीन लिखेंगे, यानी कि 27 और तीन तो यहाँ पर हो रहा है आपका 30, फिर चार का क्यूब प्लस चार लिखेंगे तो 64 और चार तो 68 हो रहा है, अब की बार पांच का क्यूब प्लस पांच, यानी कि 125 और पांच तो कितना 130, तो 130 आपके ऑप्शन नंबर सेकेंड है। इसके बाद यही क्वेश्चन है, इसमें सभी प्लस हो रहा है, इसमें देखिए क्या होता है, जीरो को लिख सकते हैं एक का क्यू माइनस एक, कहने का मतलब एक माइनस एक। छह को लिख सकते हैं आठ माइनस दो तो दो का क्यू और माइनस दो। चौबीस को लिख सकते हैं सताइस माइनस तीन तो कहने का मतलब तीन का क्यू और माइनस तीन। साठ को लिख सकते हैं, साठ को लिख सकते हैं चौसठ माइनस चार, यानी कि चार का क्यू चौसठ होता है, में से चार घटा देंगे तो आपका साठ हो गया। 120 को लिख सकते हैं 125 माइनस पांच, यानी कि पांच का क्यू माइनस पांच, तो एक दो तीन चार पांच, अब की बार यहाँ पर छह का क्यू और माइनस छह, यानी कि 216 माइनस छह तो 210 हो रहा है। उसी प्रकार से सात का क्यू और माइनस कितना होगा सात, तो कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा सात का क्यू 343, में से सात घटा देंगे तो
336 आपका ऑप्शन नंबर कितना है सी। ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया एम क्यू प्लस माइनस एम, ये भी आपका किस फॉर्म का हो गया एम क्यू प्लस माइनस एम। यहाँ पर m क्या है नेचुरल नंबर, m है आपका नेचुरल नंबर, यहाँ भी आपका m है नेचुरल नंबर। देख सकते हैं ये आपका दोनों जो हमने हेडिंग लिखा था सबसे स्टार्टिंग में एम क्यू प्लस माइनस एम पर, इस पर बेस्ट क्वेश्चन ये दोनों था। 7-8 के बाद देखिए 9th नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 9। ये आरआरबी 2006 और 2007 में पूछा गया था। क्वेश्चन है 07, 26, 63, 124, 215 वाट, ये आपका ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, जीरो को कैसे लिख सकते हैं एक का क्यू माइनस एक, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक का क्यू माइनस एक, तो एक माइनस एक जीरो होता है। सात को लिख सकते हैं 8 - 1 होता है कितना 7, तो 2 का क्यू और माइनस एक। 26 को लिख सकते हैं मतलब 27 - 1 तो आपका 26 हो जाएगा, तो 3 का क्यू - 1। 64 को लिख सकते हैं यहाँ 63 को 64 - 1 तो 63 हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब 4 का क्यू - 1। 124 को लिख सकते हैं 125 - 1 कहने का मतलब 5 का क्यू - 1। 215 को लिख सकते हैं 216 - 1 यानी कि 6 का क्यू - 1। उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर कितना होना चाहिए 7 का क्यू - 1 तो 343 - 1 तो 342 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक को हम लिख सकते हैं 0 का क्यू + 1 यानी कि 0 + 1 तो आपका 1 हो जाएगा। 2 को लिख सकते हैं 1 का क्यू + 1 यानी कि 1 + 1 तो 2 हो रहा है। 8 को लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 8 + 1 यानी कि 2 का क्यू + 1 तो 8 और 1 9 हो रहा है आपका। यहाँ पर 3 का क्यू + 1 है यानी कि 27 और 1 तो आपका 28 है। ये 4 का क्यू + 1 यानी कि 64 और 1 तो आपका ये 65 है। तो 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 5 का क्यू + 1 तो ये कितना हो जाएगा 125 और 1 तो ये कितना हो जाएगा 126। तो 126 यहाँ पर होना चाहिए जो ऑप्शन नंबर कितना है फर्स्ट, यहाँ पर कितना होगा 342 पहले ऑप्शन में। तो ये किस वैरायटी का था, यहाँ पर जो हमने फॉर्म लिखा है ये आपका फॉर्म था एम क्यू प्लस माइनस एक पर, और यहाँ पर डायरेक्ट अगर जो पूरा पूरी लिखना चाहे तो एम क्यू माइनस एक वाला फॉर्म ये है, और ये आपका किस फॉर्म का है तो ये आपका फॉर्म है एम क्यू प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस रहने देते हैं और एन लिख देते हैं, जहाँ एन किया है एन बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर कहने का मतलब 0, 1, 2, 3 जैसे यहाँ नेचुरल नंबर लिखे थे, यहाँ पर ये क्या है होल नंबर। ये आपका फॉर्म लिख रहा है मतलब किस रूप पर ये आपको दिया गया है क्वेश्चन जो। तो 9 और 10 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, ये आरआरसी 2013 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हमने स्टार्ट किया है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है जो देखिए ध्यान से, ये 2 को लिख सकते हैं 1 का क्यू + 1, 12 को लिख सकते हैं मतलब 1 + 1 तो ये 2 हो रहा है, 12 को लिख सकते हैं 8 + 4 तो कहने का मतलब इसे हम कैसे लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2 का क्यू और प्लस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1 का 1 को स्क्वायर लिख ही सकते हैं। उसके बाद 36 को कैसे लिख सकते हैं, 27 में कितना जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, तो 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यू + 9 है 3 का स्क्वायर, यानी कि जो संख्या का क्यू है उसी संख्या का स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ पर ये 4 का क्यू + कितना 4 का स्क्वायर है यानी कि 64 और 16 तो 80 हो रहा है। ये 5 का क्यू + 5 का स्क्वायर यानी कि 125 और 25 तो आपका 150 है। तो 6 का क्यू + 6 का स्क्वायर यानी कि 216 + 16 तो आपका कितना हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर 36 तो 216 और 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 36 तो 36, 14, 50 और 2, 52 यानी कि 252 तो 252 आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये थोड़ा चेंज है, इजी भी है। इसमें कौन सा सिलेक्ट रॉन्ग टर्म है मतलब कौन सा टर्म है जो गलत है, ये आपको सिलेक्ट करना है। 4-5 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो 2 को लिख सकते हैं 1 का क्यू + 1, ये 2 का क्यू + 1, ये 3 का क्यू + 1, ये 4 का क्यू + 1 होना चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ पर है कितना होना चाहिए, यहाँ पर 64 लेकिन गलती से है 63, यहाँ पर 5 का क्यू + 1 तो आपका 63 है जो गलत है राउंड टर्म है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 2, 9, 28 तो यहाँ पर 64 होना चाहिए तभी 126 होगा, यानी कि ये फॉर्म किसका है एम क्यू प्लस वन का फॉर्म चल रहा है, लेकिन यहाँ पर है एम क्यू माइनस वन है। तो ये आपका किस प्रकार का फॉर्म था, एम क्यू और
प्लस एन का स्क्वायर, ये फॉर्म था इसका और ये फॉर्म है इसका। 11th 12th के बाद दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, ये आपका किस वैरायटी का दिया गया है, ये भी आपका है सिलेक्ट रॉन्ग टर्म, ये भी सिलेक्ट रॉन्ग टर्म, मतलब 13 और 14 दोनों क्वेश्चन है, आरआरबी 2013-14 में पूछा गया, ये दोनों क्वेश्चन, दोनों में आपका कौन सा टर्म गलत है जो आपको सिलेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन ये है, उसके बाद वाला क्वेश्चन का ऑप्शन ये है। तो 5 को हम देखिए ध्यान से, 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 8 - 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यू और -3। उसी प्रकार से 27 को लिख सकते हैं, 27 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर क्यूब किसका होता है, 27 तो टोटल क्यूब है ही, मतलब ये तो डायरेक्ट 3 का क्यूब हो जाता है, लेकिन यहाँ आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। तो 64 है, 64 का मतलब 4 का क्यूब में से हम 3 कम कर देंगे तो आपका 61 हो जाता है, और ये भी हो रहा है आपका 125, मतलब में से 3 कम करेंगे मतलब 5 का क्यूब - 3, ये 6 का क्यूब - 3, ये 7 का क्यूब - 3, और ये 8 का क्यूब और -3। 8 का क्यूब - 3 करेंगे तो 512 में से 3 कम करेंगे तो कितना, 509 हो रहा है। सभी आपका सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ यही है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर 3 का क्यूब और -3 अगर जो करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 - 3, तो यहाँ पर होना चाहिए 24, यहाँ पर होना चाहिए 24, तभी ये आपका सीरीज सही होगा, 27 है जो गलत है, तो आपका ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये भी उसी वैरायटी का है। 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 8 - 1, कहने का मतलब 2 का क्यूब - 1। 28 को कैसे लिख सकते हैं, 28 को लिखेंगे तो 27 + 1, यहाँ पर +1 हो रहा है, तो यहाँ पर 3 का क्यूब और +1 लिखाएगा, और ये आपका इस प्रकार से 27 + 1 = 28 हो रहा है। 6300 को लिख सकते हैं, 64 और 1 = 65 होता है, तो कहने का मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट 4 का क्यूब - 1, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 64 - 1 = 63, ये आपका 5 का क्यूब - 1, 6 का क्यूब - 1, 7 का क्यूब - 1, 8 का क्यूब - 1, तो सभी -1 - 1 है, तो यहाँ पर 28 के जगह पर यहाँ भी होना चाहिए आपका 3 का क्यूब - 1, यानी कि 27 - 1, तो यहाँ पर 26 होना चाहिए आपका, 26 अगर जो यहाँ पर हो जाएगा तभी करेक्ट होगा, क्योंकि सभी ये फॉर्म किसका चल रहा है, MQ-1 का फॉर्म चल रहा है, और यहाँ पर क्या है MQ+1 है, तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पर 26 सही होता है और 28 रखने पर गलत सीरीज हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 28 से जो यहाँ पर गलत है, रॉन्ग टर्म सिलेक्ट करना था तो 28 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 13 और 14 हमने टोटल 14 क्वेश्चन इसमें कवर किया है। अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने जो भी सोशल ग्रुप्स व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर है वे सभी में आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको इसी प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे, और टाइप वाइज हम देने की कोशिश करेंगे पूरा सीरीज को ही। तो अभी तक मेरा टोटल टाइप 4 आया है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा टाइप 5 का।